माय यूट्यूब चैनल रूपाल एजुकेशन क्लासेस। आज हम ब्लड रिलेशन में पार्ट 4 करने वाले हैं और एक्सरसाइज नंबर 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप पहला क्वेश्चन है आपके लिए। सुरेश ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, इसकी माँ मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की पत्नी है, वह महिला सुरेश की क्या लगती है? तो आप क्या करेंगे, पहले ही क्वेश्चन आप पेशेंसली पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक स्टेप करके आप फिगर बनाते चलेंगे। सुरेश ने एक महिला की ओर, तो है एक एक जगह हम सुरेश बना लेंगे। तो ये हो गए सुरेश और ये हो गई महिला, ठीक। तो सुरेश ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, इसकी माँ, किसकी माँ, इसकी किसके लिए आ रहा है, इस महिला के लिए, क्योंकि वो सुरेश किसकी ओर संकेत कर रहा है, उस महिला की ओर संकेत करते हुए कहता है कि इस महिला की माँ। तो महिला कहाँ है, तो महिला की माँ, तो माँ तो आप एक एक स्टेप आगे ही रहेंगे, तो ये हो गई महिला की माँ, ठीक। तो इसकी माँ मतलब महिला की माँ, मेरे पिताजी, मेरे किसके लिए आ रहा है, ये सुरेश के लिए आ रहा है, क्योंकि सुरेश ही तो बात कर रहा है, ठीक। तो कहता है कि इसकी माँ मीन्स महिला की माँ मेरे किसके लिए आ रहा है, इस सुरेश के लिए आ रहा है, कि मेरे पिताजी सुरेश के, मेरे मीन्स मेरे की बात कौन कर रहा है, सुरेश कर रहा है, कि मेरे पिताजी, तो इनके पिताजी कौन हो जाएंगे, यहाँ कोई होगा, मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र, इनके पिताजी का पुत्र कौन हो गया, सुरेश हो गया, कि मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की पत्नी है, कौन है पत्नी, इस महिला की माँ। देखिए थोड़ा सा देखिए इसमें क्या कह रहा है, फिर से, सुरेश ने महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि इसकी माँ मेरे मीन सुरेश के पिताजी के इकलौते पुत्र की पत्नी है, कौन, इस महिला की माँ, किसकी पत्नी है, इस सुरेश की पत्नी हो गई, ठीक। ये तो कह रहा है, तो ये पत्नी है, तो इनका संबंध क्या होगा, ऐसे डबल एरो का होगा या तो स्लैश का होगा, ठीक है। तो ये जब ये दोनों पति पत्नी हो गए, पति पत्नी के रिश्ते को मैंने कहा था या तो आप डबल एरो से दिखाइए या तो आप स्लैश से दिखा दिए। तो जब ये दोनों पति पत्नी हो गए तो ये क्या हो गया, इनका इनकी बेटी ही तो होगी, ठीक। ये दोनों जब पति पत्नी हो गए, ऐसे इशारा करने की बात हुई तो हमने सामने सामने बता दिया, ऐसे सही सही इसका फिगर क्या हो जाएगा फिर। तो ये हो गया सुरेश। सुरेश ने एक महिला की हो, तो महिला आपकी कहाँ हो जाएंगी, महिला यहाँ कहीं हो गई। सुरेश ने एक महिला की ओर, ये महिला की ओर संकेत करते हुए कहा कि इस महिला की माँ मेरे मीन सुरेश के पिताजी के इकलौते पुत्र की पत्नी है। इकलौते पुत्र की पत्नी है कौन, यही इस महिला की माँ, ठीक। ये संबंध आपका कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए तो ये आपकी ये जो महिला हो गई वो क्या हो गई, सुरेश की पुत्री हो गई, ठीक। ये क्या कौन हो गई, पुत्री। जब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए तो ये महिला क्या हो गई, पुत्री। तो आंसर में आपका क्या हो गया, वह महिला सुरेश की पुत्री है, ठीक। यही हो गया आपका आंसर, आई होप समझ में आया होगा। ये जो इशारे वाले बात होते हैं तो थोड़ा सा आपका फिगर बनाने में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप बाद में उसको रिलेट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, जब ये दोनों महिला की जो माँ थी वो सुरेश की पत्नी निकली, अगर पत्नी निकली तो आप क्या करेंगे, अगर आप वो सिंबल को अगर आप ध्यान दिए हैं तो भी आपसे गलती नहीं होगी। जब ये दोनों, भले ये ऊपर नीचे हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनके रिलेशन को आप डबल एरो से जब दिखा रहे हैं, ये दोनों, जब इन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता हो गया, तो जाहिर सी बात है अगर पति पत्नी का रिश्ता है तो उनसे जो एक स्टेप होगा उनका बच्चा ही होगा, ठीक। तो ये महिला क्या हो गई, सुरेश की पुत्री हो गई, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक परिवार में GHIJKL 6 सदस्य हैं, एच की बहन आई है, तो 6 सदस्य को आपको ध्यान देना है, ठीक। 6 सदस्य एच की बहन आई है, तो आप बनाते चलिए एच की बहन। मैंने क्या कहा था, भाई बहन के रिश्ते को हम क्या करेंगे, सिंगल एरो से दिखाएंगे, है ना, दोनों साइड एरो से दिखाएंगे। तो एच की बहन कौन है, एच की बहन आई है, तो बहन है कौन, बहन कौन है, आई है, तो बहन को हम
माइनस से दिखाएंगे, मैंने बताया है कि फीमेल को हम क्या करेंगे, हमेशा माइनस से दिखाएंगे। तो एच की बहन आई है, जी का पौत्र एल है, तो आप कहीं पे जी बना लीजिए, जी का पौत्र, तो ये एक स्टेप हो गया। तो जी का कोई बेटा होगा और उस बेटे का जो बेटा होगा वही क्या होगा, जी का पौत्र होगा। ठीक, तो जी का पौत्र कौन है, एल है। ठीक, तो एल है तो आप क्या करेंगे, पौत्र है, पौत्र का मतलब पोता, तो ये पोता है तो इसको प्लस साइन से बनाएंगे। ठीक, जी का पौत्र, जी का है, अगर की कहता तो महिला होती है, जी का है तो प्लस है, तो मतलब ये भी कोई मेल पर्सन है। तो जी का पौत्र एल है, के पति का भाई एच है, के है कोई, कोई है के, और के का पति कौन है, के पति का, के मतलब के कौन हो गई, कोई महिला ही होगी, तभी तो के का कोई पति होगा, तो के पति का भाई एच है। देखिए के का पति, ये देखिए बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई, तो के का कोई पति रहा होगा, कोई पति है, और इसी पति का जो भाई होगा, ये कौन है पति, ये हमें नहीं पता है, तो के पति, के पति का भाई, भाई बहन के रिश्ते को हम एच से दिखा देंगे। ठीक, के पति का भाई कौन है, एच है ना, एच है भाई है, एच कौन है, भाई है, और एच की बहन कौन है, आई है। ठीक, आप इसको ध्यान मत दीजिए, तो यही है, एक एक स्टेप जब बनाना होता है ना तो गलती हो ही जाती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है, फिर से देख लीजिए, के पति, के कोई महिला होगी, के पति, पति पति के रिश्ते को या तो हम स्लैश से दिखाएं या फिर डबल साइड एरो, ये ऐसे करके एरो दिखाएंगे, ये भी पति पत्नी के ही रिश्ते को दिखाएगा, और या फिर हम स्लैश से दिखा देंगे। ठीक, बार बार आप दो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जगह नहीं था ज्यादा तो मैंने स्लैश से ही दिखा दिया। ठीक है, तो के का कोई पति होगा, वो मेल पर्सन होगा, मेल पर्सन है इसलिए मैं प्लस साइन दिखाया, तो के कोई महिला इसलिए माइनस साइन से, तो के पति, पति का भाई, पति का भाई है। ठीक है, पति का भाई बहन के रिश्ते को एक साइड एरो से दिखाते हैं, के पति का भाई एच है, और एच की बहन कौन है, आई है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए कि आई का एल से क्या संबंध है, आई का एल से क्या संबंध। ठीक, देखिए आपको ध्यान देना है कि अभी आपने इसको इसको कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन आपके परिवार में है केवल 6 ही सदस्य, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हो गया जी एच आई, और जे हमें नहीं पता, जे के एल, तो मतलब ये जो खाली स्थान है तो ये कौन होंगे, जे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि आपको 6 सदस्यों का नाम उसने दे रखा है। ठीक है, तो आपको और कोई नाम नहीं, अगर ये जे हैं, अगर ये जे हो गए तो जे तो पॉजिटिव हो गए, तो जे की पत्नी कौन है, के हो गई। ठीक, यही देखिए बाद में आप जोड़ सकते हैं, जे की पत्नी कौन हो गई, के हो गई, क्योंकि आपको यही तो सदस्य, यही 6 सदस्यों को ध्यान देना है। ठीक, उसी हिसाब से ये खाली स्थान अभी तक नहीं पता था कि ये दादा है, दादा के पोते का नाम उसने दे दिया था, लेकिन उनके पिता का नाम नहीं दिया था, एल के पिता का नाम नहीं दिया था, तो आप देख गए सबका नाम उसने दे दिया था, तो केवल जे का ही नाम नहीं पता, तो हमने क्या बता कर लिया कि ये खाली स्थान पे कौन होंगे, जे होंगे, और जे की पत्नी कौन है, के, और इसी जे के जो भाई हैं वो कौन है, एच है, और एच की बहन कौन है, आई है। ठीक, तो आपका ये हो गया पूरा फिगर तैयार, अब इसे एक एक करके आप आंसर देंगे, आई का एल से क्या संबंध। देखिए आई कहाँ है, आई का एल से, आई यहाँ पे है और एल एल यहाँ पे है। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि जे कौन है, उनके पापा हैं, तो पापा की जो बहन होगी, ये बहन ही तो होगी, अगर माइनस है, ये लोग आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, तो आई क्या हो गई, इन पापा की कौन हो गई, बहन हो गई, क्योंकि जे यहाँ पे है ना, ये सब एक ही स्टेप चल रहा है, मैंने इसको यहाँ से क्या किया है, जोड़ दिया है। ठीक, यहाँ से जब जोड़ दिया है तो ये क्या हो गए, ये सारे ये सेकंड जनरेशन के हो गए। ठीक, तो ये जे पापा हैं, पापा का भाई कौन है, एच है, और एच की बहन कौन है, आई है। ठीक, तो अगर पापा की बहन आई है तो पापा की जो बहन होगी वो पापा के बेटे की आपकी क्या लगेगी, बुआ ही तो लगेंगी, तो आई का एल से संबंध क्या हो गया, बुआ का। ठीक है, आपको बहुत ही थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाना रहेगा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बारी बारी करके आप उसको जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, देखिए महिला सदस्य कौन कौन सी हो गई, एक तो आपकी बुआ जी हो गई, और एक कौन हो गई, एक आपकी मम्मी हो गई। ठीक, तो दो महिला सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 2। के का पति कौन है,
आप देख रहे हैं के का पति कौन है, जे। ठीक, ऐसे ही आपको आंसर करना रहेगा, एक ही फिगर ड्रा करेंगे उसी से सारे आंसर करते चलेंगी। जे का एच से क्या संबंध है, देखिए जे यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, जे और एच आपस में क्या है, भाई है। ठीक है, भाई बहन के रिश्ते को मैंने कहा था डबल साइड एरो से, तो जे और एच आपस में कौन है, भाई है, तो ये हो गए भाई। उसके बाद है जी का जे से संबंध, जी कहाँ है और जे कहाँ है, देखिए जी और जे, जी का पूछा है, तो जी कौन है, पिताजी है किसके, जे के है, तो जी का जे से संबंध, जी जी का जे से संबंध क्या है, पिता और पुत्र का है। ठीक, अगर जी का केवल पूछा है तो आप सीधा केवल क्या लगाएंगे, पिता। ठीक, तो आपका ये हुआ एक आंसर कंप्लीट। ठीक, ऐसे ही आपको एग्जाम में बस फिगर ड्रा कर लेना है और फटाफट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उमेश की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है, तो एक तरफ हम उमेश मना लेंगे, उमेश की ओर, तो उमेश की ओर संकेत कौन कर रहा है, गीता संकेत कर रही है। ठीक, उमेश की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है कि यह किसके लिए आ रहा है, जिसकी ओर संकेत किया जा रहा है, कि यह उमेश मेरे बड़े पुत्र, तो गीता का पुत्र कौन होगा, पुत्र है तो एक स्टेप नीचे ही होगा, कि यह मेरे बड़े पुत्र रमेश, रमेश के दादा हैं। अगर रमेश के दादा होंगे तो ये क्या होंगे, सबसे बड़े होंगे दादाजी। ठीक, यही तो है, तो ये हो गए आपके दादाजी, किसके हो गए, रमेश के दादाजी हैं। तो कौन कह रहा है, उमेश की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है कि यह मीन्स कौन, उमेश, यह मीन्स उमेश मेरे बड़े पुत्र के दादा है, मीन्स उमेश कौन है, ये दादाजी हैं। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो एकदम समझ में आएगा, तो ये कि उमेश की वो संकेत करते हुए कहती हैं कि यह उमेश ही मेरे बड़े पुत्र के दादाजी हैं, तो उमेश किसके लिए आ रहा है, दादाजी के लिए आ रहा है, तो उमेश का गीता से क्या संबंध है, तो ये दादाजी कौन हो गए, ये उमेश हो गए। ठीक, तो दादाजी का नाम क्या हो गया, उमेश, तो क्या पूछा क्या जा रहा है, उमेश का गीता से क्या संबंध है, तो उमेश कौन है, गीता के, हाँ, अगर ये लेडीज है, अगर ये दादाजी हो गए तो आप जाहिर सी बात है कि ये गीता कौन होंगी, इनकी बहू ही तो होंगी। ठीक है, अगर उनका, अगर उमेश जी का, अगर ये उमेश क्या है, दादाजी हैं किसके, रमेश के, तो रमेश के दादाजी कब होंगे, जब ये गीता उनकी क्या होंगी, बहू होंगी, तभी तो होंगे। ठीक, तो उमेश का गीता के, उमेश का गीता से क्या संबंध है, पिता का या ससुर जी, तो उमेश कौन है, उमेश कौन है, ससुर या पिता। ठीक, तो ऑप्शन में आपका जो भी दिया रहेगा, अगर ससुर दिया रहेगा तो ससुर पे टिक करेंगे, अगर ससुर नहीं दिया रहेगा तो आप किस पे टिक करेंगे, पिता पे। ठीक, तो उमेश कौन हो गए, ससुर या पिता है गीता के। ठीक, तो ऑप्शन आपसे क्या कर, टिक करेंगे, ससुर या पिता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यू पी की बहन है, तो क्यू बहन है, क्यू बहन है किसकी, पी की, क्यू बहन है किसकी, पी की, आर पी का पिता है, आर पिता है किसका, पी का, तो पिताजी तो ऊपर ही रहेंगे। ठीक, आर पिता है किसके, पी के, फिर टी आर की बहन है, टी बहन है, टी बहन है किसकी, आर की है। ठीक, तो ओ का, ओ नहीं यहाँ पे क्यू होगा, तो क्यू का टी से क्या संबंध है, तो क्यू का किसका पूछ रहा है, क्यू का किसके, टी से, तो आप जाहिर सी बात है क्यू का टी से, अगर पापा की बहन है तो ये आपकी बुआ होंगी, तो क्यू, क्यू क्या हो गई, भतीजा या भतीजी ही होगी, तो माइनस है, तो ये अगर माइनस साइन है तो क्यू क्या होगी, भतीजी होगी किसकी, क्यू भतीजी है किसकी, टी की, क्योंकि पापा की बहन, पापा की बहन के हम क्या, उनके बच्चे क्या लगेंगे, भतीजा या भतीजी तो लगेंगे, तो क्यू का टी से, तो क्यू क्या है, क्यू भतीजी है टी की। ठीक, तो यही हो गया आपका आंसर, आंसर क्या टिक करेंगे, भतीजी। चलिए, तो पहले हम लोग ड्रा करते हैं, क्या कह कहा है, छह व्यक्ति पी क्यू आर एक्स वाई जेड है, आर जेड की बहन है, तो आर बनाएंगे, आर बहन है किसकी, जेड की,
भाई बहन के रिश्ते डबल साइड एरो से, आर बहन है किसकी, जेड की। ठीक, आगे क्या कह रहा है, क्यू वाई के पति का भाई है, वाई के पति का भाई। तो मान लिया यहाँ पे कोई वाई है, वाई 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 के पति मतलब वाई क्या है, आपकी कोई लेडीज है तभी तो वाई का कोई पति होगा। तो वाई के पति, वाई के पति कौन है ये हमें नहीं पता, वाई के पति का भाई, इनका भाई कौन है, वाई के पति, पति का भाई, भाई बहन के रिश्ते, फिर से सिंगल साइड एरो, वाई के पति का भाई कौन है, क्यू है, तो क्यू यहाँ पे आ गया, तो भाई है तो प्लस साइन से। ठीक, ये लाइन पूरी हो गई। क्यू क्या है, क्यू वाई के पति का भाई है, भाई बहन के रिश्ते को डालो सिंगल साइड एरो से, बार बार बता रही हूँ, क्यू वाई के पति का, पति पत्नी के रिश्ते को या तो स्लैश से या फिर डबल साइड एरो से, ठीक, पति पत्नी के रिश्ते को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो क्यू वाई के पति का भाई है, एक्स पी का पिता है। देखिए अभी आपको नहीं, यहां से आपको पी तो कोई दिख ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, अभी छोड़ देते हैं कि पी कौन है, एक्स पी का पिता तथा जेड का दादा है। जैसे ही उसने कह दिया ये बात, जैसे ही उसने ये बात की कि जेड का दादा, तो जाहिर सी बात है, तो ये आपके, तो यहाँ पे अगर जेड का दादा कौन है, एक्स पी का पिता, तो जाहिर सी बात है आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये कौन होंगे, पी ही तो होंगे, ये कौन होंगे, पी होंगे, तभी तो पी पी एक्स, एक्स पी का पिता, तो यहाँ पे कौन होंगे, एक्स होंगे, एक्स पिता है किसका, पी का। ठीक, सबसे ऊपर दादाजी होंगे ना, एक्स पिता है पी का तथा जेड का दादा है, तो दादा कहाँ होंगे, दादा सबसे ऊपर ही होंगे, पहले दादा वाले दादाजी आएंगे, उसके बाद पिताजी आएंगे, उसके बाद उनका पुत्र आएगा। ठीक, जैसे कि मैं, ठीक, मेरे पापा मेरे पिताजी हैं, और पिताजी के पिता कौन हो गए, दादाजी हो गए। ठीक है, तो एक्स का पिता कौन हो गया, पी, और एक्स का दादा कौन हो गया, एक्स एक्स क्या हो गया, जेड का दादा हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा। समूह में दो पिता, आपको ध्यान देना है कि उसने लास्ट में क्या कह रखा है, कि समूह में दो पिता है, अगर अगर हम जेड के सापेक्ष लेंगे तो दो पिता यही दोनों ना होंगे, इनके हस्बैंड के, ये इनकी वाइफ है तो ये क्या है, हस्बैंड है, तो आपको दिख रहा होगा दो पिता कौन कौन से हो गए, एक्स और पी, एक्स और पी दो पिताजी हो गए, और तीन भाई कह रहा है, तो तीन भाई हमें कहाँ दिख रहे हैं, ये दोनों आपस में भाई हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, ये भी भाई होगा, तभी तो तीन भाई, उसने इसलिए क्लियर कर दिया, अभी तक उसने जेड का जेंडर नहीं बताया था, लेकिन उसने जेड का दादा कह दिया था ना, जैसे यहाँ उसने जेड का कहा तो हमें पता चल गया कि ये कोई मेल ही पर्सन है, अगर अभी आपका नहीं क्लियर होगा तो बाद में उसने कह भी तो रखा है कि दो पिता, पूरे जो आपने फिगर ड्रा किया है उसमें आपको दो पिता दिखाई देने चाहिए, एक ये पिता हो गए, एक ये पिता हो गए, दोनों ही पिता हैं। ठीक है, और तीन भाई, तो तीन भाई कहाँ से आपको दिख रहे हैं, ये आपको बताता है कि भाई बहन का रिश्ता कौन होता है, जो सिंगल साइड एरो रहता है, तो ये दोनों आपस में भाई बहन भाई भाई हो गए, और ये भी एक भाई हो गया, किसका, आर का भाई हो, तो कुल मिला के तीन भाई हो गए, एक दो और तीन भाई, और कह रहा है कि एक माँ है, अम्मा आपको केवल यहाँ पे ही दिख रही है, माँ किसकी, माँ है किसकी, जेड की, तो माँ आपको कहाँ दिखी, केवल एक ही माँ दिखी थी, तो आपके क्वेश्चन की जितना क्वेश्चन ने कहा था आपने सारी प्रॉपर्टी उसको सारी चीजें आपने यहाँ पे पूरा फिगर में ड्रा कर दिया है, अब आपको केवल आंसर करना है। देखिए पहला आपसे पूछा गया है कि वाई का पति कौन है, वाई का पति, वाई का पति आपको दिख रहा है, वाई का पति कौन हो गया, आंसर में आप क्या करते, आंसर क्या बताएंगे, वाई का पति पी है। ठीक, नेक्स्ट आपसे पूछा है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है आपका, परिवार में माँ कौन है, परिवार में माँ कौन है, माँ कौन है, तो माँ आपको एक ही दिख रही है, कौन, वो भी है वाई, किसकी माँ है, जेड की, तो परिवार में माँ कौन है, वाई। ठीक, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, तो जितने भी आपको प्लस साइन दिख रहा होगा वो सब क्या है, पुरुष हैं, तो एक दो तीन चार, चार पुरुष, ठीक, 39, तो परिवार में कुल कितने पुरुष हो गए, चार।
ऐसे इसीलिए आपको सारे लॉजिक बता दिए हैं कि पुरुष को आपको प्लस से दिखाना है, महिलाओं को माइनस से दिखाना है, भाई बहन को सिंगल साइड एरो से, पति पत्नी के रिश्ते को या तो डबल साइड एरो से दिखाइए और या तो स्लैश से दिखाइए, ठीक है। और सबसे ऊपर दादाजी रहेंगे, फिर पापा रहेंगे, उसके बाद उनके सारे पुत्र रहेंगे, ठीक। आपको अगर ये सारी बातें पूरी आप ध्यान रखते हैं तो आपका तो रिलेशन बिल्कुल गलत होना ही नहीं है। नेक्स्ट आपको क्या बताना है कि इस पूरे परिवार वाली जो पूरे डायग्राम बने हैं उसमें भाइयों का समूह कौन सा है। तो आपको भाई का समूह कौन कौन सा दिख रहा है, एक ये डबल साइड एरो है, यहाँ पे भी सिंगल साइड एरो है, तो जितने प्लस प्लस हैं वही आपके भाई कहलाएंगे। तो क्यू पी क्यू और जेड, जेड किसका भाई है, आर का, ठीक। तो आपका क्या हो गया, पी क्यू और जेड, ठीक। आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, मैं आपको पूरे ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, ऐसे ही बता दे रही हूँ कि आपको सही सही क्या दिख रहा है, पी पी क्यू और जेड कैसे भाई कहलाएं, क्योंकि इनके सब बीच, इनके बीच में क्या है, सिंगल साइड एरो है, सिंगल साइड एरो ही भाई बहन को प्रदर्शित करता है, जिसमें अगर प्लस साइन है तो वो भाई होंगे, अगर माइनस साइन है तो वो बहन होगी। तो आपसे पूछा है नेक्स्ट, जेड व वाई में क्या संबंध है, तो जेड क्या है, पुत्र है किसका, वाई का, तो जेड और वाई में क्या संबंध है, पुत्र व माँ का, ठीक। क्योंकि पहले किसका नाम लिया है, जेड का नाम लिया है, तो जेड क्या है, पुत्र है, इसलिए मैंने सबसे पहले पुत्र लिखा है, और वाई कौन है, माँ है किसकी, जेड की, ठीक। तो जिस क्रम में लिखा रहेगा आप उसी क्रम में आंसर देंगे, कभी कभी ये माँ उलट पलट के दे देता, माँ या पुत्र दे देता, ठीक। तो आप ध्यान देंगे कि उसने किसका नाम पहले लिया है, तो पहले जेड का नाम लिया है, तो जेड कौन है, वाई का पुत्र है, ठीक, इसलिए पहले पुत्र लिखा है, और वाई कौन है, माँ है, ठीक। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और कंटिन्यू मेरे चैनल से बने रहें ताकि आपको सारी वीडियोस बिल्कुल टाइम पे आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।